हे बंसी वाले, इस भलाई के काम में मेरा साथ देना। चलो, go for it, okay? The countdown start. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. अभिमन्यु, आपका अभिमन्यु, हम सबका अभिमन्यु, पूरे आगरा का अभिमन्यु, ये वही अभिमन्यु तो है जो आगरा की गलियों में क्रिकेट खेलकर अंडर 19 टीम तक पहुंच गया और बहुत जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाकर पूरे आगरा का नाम गर्व से चौड़ा करता। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि हमारा अभिमन्यु कहीं खो गया है, कहीं चला गया है अभिमन्यु। अभिमन्यु, अगर तुम हमें सुन रहे हो तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम सकुशल हो। तुम्हारी मम्मी का एक मैसेज पहुंचाना था तुम तक। याद है बचपन में एक बार तुम्हारी मम्मी रो रही थी तुम्हारे सामने, तुमने तुरंत अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से उनके आंसू पोंछे थे और उनसे वादा लिया था कि वो फिर कभी रोएंगी नहीं, एक आंसू नहीं बहेगा उनकी आंखों से। और तुमसे किया हुआ वादा वो निभा भी रही हैं। आंसू तो निकल रहे हैं उनके, लेकिन आंखों से नहीं, दिल से। और आंसू निकलेंगे भी कैसे? आंसू पोंछने वाला तो चला गया ना कहीं। अभिमन्यु, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम जल्द से जल्द अपनी मम्मी के पास वापस नहीं आए तो इस बार उनके आंसू ऐसे बहेंगे कि कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। हर एक पल, हर एक क्षण तुम्हारी मम्मी की नजरें सिर्फ दरवाजे पर टिकी हुई है। हर आहट पे उन्हें ये लगता है कि कहीं उनका गुल्लू तो वापस नहीं आ गया। गुल्लू बुलाती है ना तुम्हारी मम्मी तुम्हें। अभिमन्यु, अपनी मम्मी के खातिर वापस लौटाओ। और आप सभी जो इस समय हमें देख रहे हैं, मेरी आपसे दरखास्त है, अभिमन्यु सिर्फ अपने माँ बाप का बच्चा नहीं, आपका, हमारा, पूरे आगरा का बच्चा है। अगर आपका बच्चा कहीं खो जाता तो क्या आप उसकी खो जाने की न्यूज को भी सिर्फ न्यूज ही समझ के देखते, सुनते और भूल जाते? नहीं ना। तो प्लीज इस न्यूज को अपनी जिम्मेदारी मानिए और हमारे चैनल ने अभिमन्यु को ढूंढने की जो मुहिम शुरू की है उसमें हमारा साथ दीजिए। अगर आपको अभिमन्यु के बारे में कुछ भी पता चलता है तो प्लीज तुरंत फोन करें। इस बार इस चक्रव्यूह में हम अभिमन्यु को खोएंगे नहीं, बल्कि हम सब साथ मिलकर अभिमन्यु को बाहर निकाल लाएंगे। थैंक यू आगरा। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 10 घंटे बचे अभिमन्यु को ढूंढ के लाने के लिए। अगर वो नहीं मिला ना, हम सबकी नौकरी जाएगी। ये भगवान। अरे सर, ये अभिमन्यु को कितनी बार हम समझाए गुरु, आ जाओ इंटरव्यू के लिए। उसको ऑफर भी दिए हम, 1,00,000 रुपया देंगे, आ जाओ इंटरव्यू के लिए, मानता ही नहीं है। क्या क्या दारिन, 1,00,000 रुपए कहाँ से दोगे तुम? कहाँ से लाएंगे, क्या बात है, आप लोगों की सैलरी से कट करके देंगे, 1 महीना की सैलरी में तो उसका हो जाएगा। क्या 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 कह रहे हो नन डन? अरे तो क्या, सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या बाबू, हमारी सैलरी भी है? सुनिए तो सही। किंतु महोदय, परंतु मैं कह रहा हूँ कि ये बात ही। अब सुनना नंदन जी। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मुझसे हम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। सर मेरे कहने का मतलब है, नौकरी जाने से अच्छा कि 1 महीने की सैलरी चली जाए, लेकिन फिर भी
वो अभिमन्यु नहीं माना, बहु अकड़ू है। तुम सीधा जैसे ही ऑफर दिया फोन बंद करके रख दिया। कहाँ रख दिया पता नहीं, आप कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे बताइए आप ही लोग। नंदन जी आप सॉरी बोलिए, गलत तरीका अपनाया है आपने। हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है। अब सोचना ये है कि किया क्या जाए। अरे ये क्या आलोक सर, सब टेंशन में यहाँ चकोर हुए जा रहा और आप बोल मार रहे हैं, मतलब बोल मार रहे हैं। अरे सॉरी यार नंदन, वो फुटबॉल देख के ना मेरे अंदर का प्लेयर बाहर आ गया। वो देख के रोक नहीं पाया अपने आपको ना। आइडिया मिल गया। क्या? क्या? हाँ आंटी, बस ये समझ लीजिए अब यही एक रास्ता है अभिमन्यु को अपनी लाइफ में वापस लाने का। ठीक है बेटा, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। तो सुनिए, आपको उसे टीचर्स कॉलोनी भेजना है। लेकिन बेटा वो तो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। आंटी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए कुछ भी करेगा। आप ही के लिए तो घर वापस आया है ना वो। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि आपको उससे कहना क्या है, और उससे बात करते समय ना फोन कट मत करना, ऑन ही रखना, ओके? बेटा अभी अभी मम्मी क्या हुआ आपको, इतनी खांसी क्यों आ रही? पता नहीं बेटा, बहुत खांसी हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे पता है तू आराम कर रहा है बेटा, पर मेरा एक काम कर, वो जो टीचर्स कॉलोनी है ना उसके पास एक आयुर्वेदिक दवाई की दुकान है, वहां से मेरे लिए खांसी की दवाई ले आएगा। क्या अभिमन्यु निकल गया? ओके 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 आंटी, अभिमन्यु आ रहा है, आप सब रेडी हो जाओ, मैं पीछे छुप रही हूं। ठीक ठीक चलो। देखा मेरा शॉट? अरे वो तो मेरा लक खराब था इसलिए मैं इंडियन टीम का कैप्टन नहीं बन पाया। ये शेखर शाह जैसे प्लेयर तो आते जाते रहते हैं, उसका हेलीकॉप्टर शॉट तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मेरा हेलीकॉप्टर शॉट ना हेलीकॉप्टर से भी ऊपर जाता है। उसको बोले ट्यूशन ले ले मेरे से आके। अरे उस शेखर शाह को बोलो कि ऐसे खेलते हैं, पता नहीं कहां से फैन बन जाते लोगों के। आगे शेखर शाही बनने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।